राम मंदिर की गूंज इन दिनों पूरे देश में है। चहुओर राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। घर घर जाकर पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं। वहीं एक राम भक्त महिला ऐसी भी है जो राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका अपने एक अनूठे अंदाज में निभा रही है। जोधपुर की रेणु भद्राड़ ने प्रण लिया है कि राम मंदिर निर्माण तक वे अपने शहर की 108 महिलाओं के हाथों में राम मंदिर की मेहंदी लगाएंगी। वे लगातार 1 जनवरी से इस काम में जुटी हैं। पत्रिका के राजेश दीक्षित ने रेणु से बात की तो उन्होंने बताया कि वे विशेष दिवस और त्योहारों की थीम पर मेहंदी लगाती हैं। रेणु कहती हैं कि इस समय देश में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है, इसलिए उन्होंने इस बार राम मंदिर थीम की मेहंदी लगाना शुरू की। रेणु राम के नाम से 108 महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाएंगी। रेणु ने बताया कि वे अब तक 63 महिलाओं के हाथ में राम मंदिर थीम की मेहंदी लगा चुकी हैं। ये श्रृंखला 22 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका लक्ष्य 108 महिलाओं को मेहंदी लगाने का है, लेकिन मौका मिला तो इससे ज्यादा को भी मेहंदी लगाएंगी। उन्होंने कहा कि वे भगवान राम के नाम पर राम मंदिर थीम की मेहंदी लगा रही हैं। यह पूरी तरह से निशुल्क है। इसमें जो मेहंदी के कोन लगते हैं वह भी वे खुद के खर्चे से लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हर हाथ में राम मंदिर बनना अच्छा लग रहा है। वे मानती हैं कि यह तो राम की सेवा करने का मौका है। रेणु ने बताया कि अक्सर उन्हें थीम विशेष के अनुसार मेहंदी लगाने का शौक है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, राजस्थान पत्रिका स्थापना दिवस, युवा दिवस, गांधी जयंती आदि। इसके अलावा रेणु कभी कभी समसामयिक विषयों पर भी मेहंदी बनाती हैं। हाल ही वे चंद्रयान थीम पर भी मेहंदी लगा चुकी हैं। केंद्र व राज्य सरकार के कुछ योजनाओं को भी वे मेहंदी के जरिए हथेली पर उकेर चुकी हैं। शुरुआती दौर में रेणु सिर्फ ब्याह शादी के अवसर पर ही मेहंदी लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे वे थीम के अनुसार मेहंदी लगाने की दिशा में आगे बढ़ी। थीम आधारित मेहंदी बनाने की दिशा में उन्होंने सबसे पहले चुनाव में जागरूकता को लेकर मेहंदी लगाई। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया, मोटिवेट भी किया। इस बार की थीम भगवान राम को समर्पित है। रेणु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की नींव की ईंट रखते हुए मेहंदी लगाई है। इसमें भगवा ध्वज, हिंदू सनातन संस्कृति नजर आ रहे हैं, साथ ही कुछ स्लोगन भी दिखाई दे रहे हैं। रेणु जिस महिला के भी हाथ पर मेहंदी बनाती हैं, वहां का पूरा माहौल धार्मिक बना रहता है। महिलाओं और युवतियों में ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ छोटी बच्चियों में भी इस थीम को लेकर मेहंदी बनवाने का उत्साह नजर आ रहा है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि राम नाम की मेहंदी उनके हाथों में भी लगे। रेणु ने मेहंदी थीम को सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब से तो इस तरह की मेहंदी लगवाने के लिए शहर की कई महिलाओं के फोन आ रहे हैं।